47वां हुआ, समाप्त तो हो गया। अब हम अगला जो कार्यक्रम है सावन की पूर्णिमा का, हम उसकी तैयारी करें। फिर वहां हम कहेंगे 48वें निर्वाण दिवस के लिए फिर हम तैयार हो जाएंगे। स्पष्ट है कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं, समय गति के साथ गतिमान है, सब कुछ छुटता चला जा रहा है। महाभारत का सीरियल जो हम लोग देखते थे 90 के दशक में, आप भी आज भी देखेगा तो घर घर में सुलग है। रविवार के दिन का इंतजार होता था कि कहाँ टीवी लाइन न कट जाए, बैटरी जहाँ जिसके यहाँ सुलग हुआ करती थी उसके घर का हम लोग टोह लेते थे, जाते थे। एक उसमें चक्का घूमता था, कोई बहुत ही सुंदर कलाकार की आवाज है, वो चक्का घूमता था और कहता था कि मैं काल हूं, मैं अनवरत चलता रहता हूं, चलता आ रहा हूं और भविष्य भी चलता रहूंगा। मैं अपने गति में सबको समेट लेता हूं, कोई मेरी गति से अछूता नहीं रहेगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो मनीषी हो, चाहे वो संन्यासी हो, चाहे वो पापी हो, मैं अपनी धारा में सबको समेट लूंगा। और समेटने के लिए जो अगला पड़ाव हमारे सामने आया है वो है महाभारत का युद्ध, वो है महाभारत का युद्ध। ऐसे अनेक भीषण युद्ध इस दुनिया में लड़े गए और ये युद्ध भी लड़ा जा रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। लेकिन बात ये होती है कि इस युद्ध के लिए हम कितने तैयार हैं, हमारी तैयारी कैसी उस युद्ध के लिए चल रही है। त्रिलोकी बाबा मंच से अनेक बार कहते सुने गए कि एक महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया, ये शरीर ही क्षेत्र, यह भी एक शरीर, यह भी एक प्रकार का रण क्षेत्र है। कभी हम अपने पड़ोसियों से उलझते हैं, कभी हम अपने परिवार के बीच में ही पति पत्नी से, पत्नी पति से, भाई बहन से, बहन भाई से उलझता है। इस उलझन की शुरुआत कहाँ होती है अगर हम चिंतन करें आज के कोलाहल की युद्ध में, तो उलझन स्वयं से शुरू होती है। पहले हमारे अंदर बहुत बड़ा अंतर्द्वंद तैयार होता है, हम बाएं जाएं, हम दाहिने जाएं, हम आगे जाएं, हम पीछे जाएं, या ट्रेन पकड़ के कहीं भाग जाएं, या फिर खुदकुशी कर लें। ये अंतर्द्वंद, ये महाभारत है, जो जीवन की इस लड़ाई में हार जाता है चुक जाता है। जीवन की इस लड़ाई में जो हार जाता है वो चुक जाता है जीवन को, और परमात्मा के दिए हुए अमूल शरीर को तहस नहस कर देता है। जानवर अपने वसूल को बचा करके इस दुनिया से प्रयाण तो करते हैं, उनका काम है काम करना, वो काम करके गए। बैल का काम रहा हल जोतना, वो हल जोता, घोड़ा का काम है गंतव्य तक अपने सवारी को पहुंचाना, पहुंचा दिया। मछली का काम है पानी को साफ करना, काम उसने किया। मगर मानव तन पा करके परमात्मा ने बहुत ही बड़ी उम्मीद के साथ, जिस तरह से बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए माता पिता गार्जियन बड़ी उम्मीद के साथ भेजता है शहर में पढ़ने के लिए,
पता चलता है कि वो पढ़ता नहीं था, वो सिनेमा देखता था। वो पढ़ता नहीं था, छुप छुप कर सिगरेट पीता था। वह पढ़ता नहीं था, चरस पीता था। पढ़ेगा क्या, उसने अपने स्वास्थ्य को भी चौपट कर लिया, घर का भी आटा गीला कर दिया। परमात्मा ने भी हमें बहुत उम्मीद से इस धरती पर भेजा है और उसकी उम्मीद पर हम कहीं खरे न उतर रहे हैं तो परमात्मा भी तो यही कहेगा ना कि घर का आटा भी मेरा ये गीला कर दिया। हम छोटे थे, कक्षा तीसरी या चौथी में पढ़ रहे थे, साहब हमारे यहाँ आए थे, तत्दर्शी भगत कबीर रहमानी साहब, आम के पेड़ के नीचे उनके पैर को स्पर्श किया, ये भी याद है। हमारे घर के आगे बंगला बना हुआ था, उसने वो भी बैठे, उसने वो भी याद है। प्रवचन कर रहे थे अम्बा कई बाजार में, वो भी याद है। और बीच में हंगामा हो गया, वो भी याद है। प्रवचन की शुरुआत उन्होंने कही थी इन पंक्तियों में, जो ये जो आज्ञा फॉर्म है, सदा एक ईश्वर को मानो जो अजन्मा अजर अमर और अविनाशी है, सदा माता पिता गुरु की तन मन धन से सेवा को इसमें कल्याण है। और तीसरा जो है, सबका ईश्वर एक ही है, ईश्वर अल्लाह और गौर में कोई फर्क नहीं है, एक ही वस्तु के अनेक नाम है। इन्हीं पंक्तियों से उन्होंने सत्संग की शुरुआत करी थी। उन्होंने कहा था, आदरणीय सज्जनों, माता एवं बहनों, मैं आप लोगों के सामने कुछ सुनाने के लिए खड़ा हुआ, खड़ा होकर वो बोल रहे थे। करीब करीब 30-40 लोग खड़े थे वहां पर। उन्होंने कहा कि जिसे आप ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही की वो उसी को कोई गौर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई जिन कहता है, कोई यहोवा कहता है, कोई जरथुस्त कहता है। जितने महापुरुष संसार में आए, सत्यहरिश्चंद्र से लेकर के अंतिम महापुरुष महात्मा गांधी, बीच में जो जितने भी हुए, चैतन्य महाप्रभु, महात्मा बुद्ध, जरथुस्त, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद साहब, इन तमाम लोग परमात्मा के भेजे गए दूत थे। उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, वह एक प्रकार की चिट्ठी है। परमात्मा के संदेश को जो उन्हें समझा, हृदय में उतारा, उसको अनुभव को लिखा, सब कुछ छूटता चला जा रहा है। साहब छूट गए। 1978 में उन्होंने कोई छूट गए 1978 में। कुछ ऐसे भी उनके शिष्य थे जिनके बारे में हम लोगों ने जाना नहीं और संसार से कुछ कर गए। ये शुक्ला जी महाराज, जिनका हम ये छंद गाते हैं, सबदास विनती कर निश्चित नाथ पथ दिखलाई। हरण लिखा तो एक ही लिंग भरगो ज्योति दरबार में युगो युगो तक उनका नाम रहेगा। फिर लोग कुमार खुशी चले गए, ये हम लोगों की जानकारी से पहले की बात है। फिर कहने में बहुत दर्द होता है, दुख होता है। अगर दिनेश भैया की तरह भावुकता हो तो आंखों से आंसू आ जाए। वे हस्तियां भी गुजर की चली जा रही हैं, जिनके सानिध्य में बरसों सत्संग सुना। जिस तरह से छोटे बच्चे को उसकी माँ, उसके पिता उसे खाना खिलाते हैं, मुंह में रोटी का टुकड़ा डालते हैं, इन लोगों ने भी ठीक उसी ढंग की बात हम लोगों के साथ दोहराया। माता जी हैं, माता जी एक गूंगी भी हो गई है, एक बहरी भी हो गई है। जब अपने स्वभाव में थी तो लगता था कोई मीरा
अपने पग में घुंघरू बांध करके नाच रही है और बिना घुंघरू बांधे घुंघरू की आवाज आ रही है। आज वो ना सुन पाती है और सर मानिया ने कहिए ये जो पुष्पांजलि की जो बात किया को हमने बुलाया सिर्फ उल्टा आदेश, ये सारे के सारे छूटते चले जा रहे हैं। बीच में हमारे गुरु भाई राजकुमार जी भी चले गए, महात्मा जी के बेटे भी चले, कहीं ना कहीं सबका योगदान था। ये लोग याद किए जाएंगे, सत्संग में आना और जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है भी, लेकिन उनके सामित्व में जब सत्संग हो रहा था कहीं ना कहीं उनका योगदान था। जाने के बाद वो पूछा करते थे कि हाल चाल कैसा है जनार्दन जी, फलना जी, सुंदर भैया बताइए, एक उनकी भी भूमिका थी। जब सुन कहा जाता कि ये सब से बांध रामेश्वरम जब बांधा जा रहा था, नल जैसे बड़े बड़े दुर्धर्ष पहलवान थे, बड़े बड़े पत्थर लाकर उसमें डालते थे, बेचारी गिलहरी भी माता सीता को सत्य खोजने अपनी भूमिका उसने भी निभाई। उनका काम था कि पूंछ में पूंछ को पानी में भिगो करके रेत में वो लपेटती थी और डालती थी। वीरों ने जब हंसी उड़ाई तो भगवान राम ने कहा कि देखिए ये जो आप पत्थर बड़े बड़े सटा रहे हैं ना, उस समय ये व्हाइट सीमेंट नहीं था, तो पानी नली से यही की लहरी के द्वारा छींटे गए बालू ही काम करेगा, उसको रोकेगा, उसके महीन नहीं छिद। ये तमाम चीजें दुनिया में होती चली जा रही है, दृष्टांत बहुत है, सब छूटते चले जा रहे हैं, काल हमको लीन रहा है। अब ऐसा नहीं है, जब इन महानुभावों से मेरी पहचान हुई थी युवावस्था थी, 6 फरवरी 1992 को मैंने ज्ञान लिया था माता जी के घर में, 1000 की माता के साथ उनको भी ज्ञान मिला था, 9 साल उधर और 24 साल इधर, 23 साल गुजर गए। 33 साल के पड़ाव को मैंने कैसे पार किया, मैं नहीं, भर्गु ज्योति दरबार ने कैसे पार किया, भर्गु ज्योति दरबार ही नहीं, बहुत सारी समितियां, बहुत सारे समाज, बहुत सारे संगठन दुनिया में बदल कर इस किनारे से उस किनारे कैसे चल गए पता नहीं चला। सत्यनारायण बाबा गुजर गए, सत्यनारायण बाबा की मौत की खबर जब मैंने अपने पिताजी से सुनाई, उनसे कहा, तो उनको बड़ा धक्का लगा कि सत्यनारायण बाबा गुजर गए। हमने कहा हाँ, उनके श्राद्ध में कलकत्ता जाना है। न मालूम क्या लगा था कि चंद महीने के बाद 8 अक्टूबर को उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कर दिया। 2016 बारी आ गई महात्मा जी की। महात्मा जी को मैं नहीं पहचान पाया, सच को महात्मा जी की पहचान सही से मिलने नहीं हो सकी। उनका बात्सल्य प्रेम, उनकी तुतली आवाज और प्रवचन करने की जो साधारण शैली थी वो बेमिसाल थी, ऐसा दिनेश जी कहते हैं और किलोकी जी महाराज कहते हैं, और भोला बाबा की उपाधि दी थी स्वयं साहब ने। एक कहानी उनके साथ जुड़ गई थी, किसी सत्संग प्रेमी के यहाँ सत्संग के बाद लोग खा रहे थे, सर के आगे पत्तल, पत्तल में खीर परोस दी गई, क्योंकि उन महानुभावों को याद करना, क्योंकि ये निर्वाण दिवस है। ये त्रिलोकी बाबा भी अपने मुखारविंद से सुना चुके हैं और मैंने पूछा था उनसे कि ऐसी बात थी बाबा, तो उन्होंने कहा हाँ थी। अब उसके बाद में होता क्या है,
कि साहब भी थे, साहब के बगल में बाबूलाल बाबा थे, साहब ने कहा कि खीर थोड़ी मुझे और चाहिए, खीर थोड़ी मुझे और चाहिए। खीर वहां नहीं थी भंडारे में, तब उनके पत्तल को, बाबूलाल बाबा के पत्तल को साहब चाट गए। ये महापुरुष की विदा है, महापुरुष ही समझे। इस दृष्टांत को समझाया कि रूखी बाबा ने प्रवचन के दौरान या फिर उनके सामने जब मैं बैठ, हम लोग बैठते हैं तब, कि अपने शिष्यों को एक बार ईसा मसीह बैठा लिया और एक शिष्य का पैर उन्होंने अपने हाथ से धोया और चरणामृत को वो पी गए। 2024 वर्ष पहले की बात है। हाँ। स्वामी विवेकानंद जब थे बेलूर मठ में, तो इंग्लैंड की एक शिष्या आई थी, उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल, यहाँ नाम दिया गया निवेदिता। सबने सभी शिष्यों के बीच में एक बार बुलाया उनको, निवेदिता को, और निवेदिता के हाथ पर उन्होंने कुछ जल छिड़क दिए और अपनी रुमाल निकाल करके उस जल को उन्होंने पोंछ दिया। ये कहानी जुड़ी हुई है महापुरुषों के जीवन से। दिनेश जी का फोन आया कि बीमार चल रहे हैं बाबूलाल, तो आप जाइए, फिर गए करने के लिए, कुछ मिठाई लेते गए थे। माता जी ने मिठाई निकाल के उनको, उनके लिए भी मैं ले आया, ताकि माता जी हो सकता है खांसी वगैरह मत दीजिए, छेना आएंगे। माता जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं रस गा के तुम भी खाओ, वो भी खाएंगे। खाने के बारे में मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं आपको जल पढ़ के दे दूं। मैंने भाव फट दिया और वो मनो विनोदी थे ही, कहा देखो ना बहुत अच्छा रहेगा। पूजा में गए, जल वहां से उठाकर लाया, पढ़ने में पी गए। बाबा को मैंने कहा कि मैं तेल लगा दूं। बाबा, बाबा ने कहा हाँ लगा दो, नहीं तुम लगाओगे और होना है तेल। कल तेल मारे हाँ कि माता जी ने विरोध किया कि माता जी नहीं रुकी, हम शिष्य हैं और पुत्र है, पुत्र से हर पिता की इच्छा होती है कि हम बचे या ना बचे, लेकिन वो हमारी सेवा कर दे। और हम तो ये कुछ अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमसे कुछ ले गए। पानी पड़ने से नहीं मैंने उनका कायाकल्प हो गया, तेल लगा देने से ये नहीं है कि मेरी उनकी उम्र बढ़ गई, लेकिन पिता पुत्र, माता पुत्री, शिष्य और गुरु के बीच में संबंध जन्मों जन्मों तक कायम रहे, इसकी भी बुनियाद गुरु डालते हैं, इसकी भी बुनियाद गुरु डालते हैं। वो चले गए, यानी ये कर्म छूटेगा नहीं, आना जाना संसार में रहेगा, जो आया है वो उसमें जाएगा, राजा रंग फकीर चाहे कोई काल सबको समेट लेगा। कहने का भाव क्या है नहीं है, आप लोग हमसे ज्यादा समझदार है, कोई बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में। ये क्या कहते हैं, पुस्तक निकलती है वहां से शिव गुरु से, उस पुस्तक में सेल लिखा हुआ देखा था, शायद वो नरेंद्र साहब का सेल था या किसका था, कल मैंने पढ़ा था उसको, उसमें लिखता लिखा हुआ था कि फूल हंसते हैं कि चमन बदला, हंसते हैं कि चमन बदला, चमन कहते हैं फुलवारी को, बगीचा को, फूल हंसते हैं कि चमन बदला है और तारे हंसते हैं कि गगन बदला है, गगन आसमान, फूल हंसते हैं कि चमन बदला है
तारे हंसते हैं कि ग्रहण बदला है, मगर कहती है संतान की खामोशी लाश तो वही है सिर्फ कफन बदला है। हम लोग बहुत भजन गाते हैं, कोई नहीं रहेगा, पत्नी नहीं रहेगा, पत्नी के लिए पति नहीं रहेगा, पुत्र के लिए पिता नहीं रहेगा, और पिता के लिए पुत्र नहीं रहेगा, दो में से एक का वियोग होना है। ये सब कुछ है, गा तो लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि गा लेने के बाद में सबको संसार से छोड़ देना। ऐसा दर्शी भगत कबीर रहमानी साहब ने संदेश हम लोग को नहीं दिया, लेकिन वे त्रिलोकी बाबा कहा करते हैं सत्संग में कि संसार में रहिए मगर कमल के पत्ते की तरह है, एकदम कमल का पत्ता भी नहीं हो जाना, अभ्यास डालिए, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं। तुलसीदास जी की वाणी लिखी गई है चौपर मानस ने कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि हो गए लेकिन उनको अंत में राम का नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है कहने के लिए? क्योंकि उनके पास दिखावा था, भगवान में राम नाम मन में राम नहीं था। लेकिन एक वृद्ध महिला को मैंने मरते हुए देखा अपने घर में, हमारे पिताजी की वो फुआ थी, दौड़ी हुई आ रही है वो, नारायण नारायण हरिओम तत्सत, मैं दुनिया से हम जा रहे हैं, मर रहे हैं, कहते हुए सुना। लगभग 96-97 साल की उम्र में, असंभव नहीं है। तो इसलिए मैंने समय लिया कि उन दिनेश भैया को बुला लिया था डॉक्टर साहब ने, कहा तुम मंच है तो इनको मैं दूंगा, ज्यादा समय नहीं मिला। बाबा आ रहे, अगर ठीक है चलिए। अब हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकी जी महाराज मंचासीन हो रहे हैं और अंत में अपने भाव को इस रूप में व्यक्त करते हुए समाप्त करेंगे कि ऐसा नहीं कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, एक ही बगीचे के हम सभी फूल हैं, जो गति आपकी वही गति मेरी, लेकिन थोड़ा हम अपने आप को सुधारें, ध्यान करें, और कम से कम ध्यान करने वक्त हमारा मन संसार से निकल करके और जो गुरु ने ज्ञान दिया उसमें लगा। प्रेम से बोली सुखदेव महाराज की जय। बस 5 मिनट में आ जाएंगे, अच्छा एक भजन।